अजहर अली को ज़बरदस्ती खिलाकर आप 100 टेस्ट मैचेस के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अनफेयर। जो शख्स ड्रॉप इन पिचेस बना सकता है वो फिर जाके ग्राउंड पे भी पिचेस बना सकता है। आप इस किस्म की अप्रोच के साथ, इस पिचेस के साथ जाएंगे तो कभी भी आप जीतने के लिए नहीं जा रहे। जी सिकू भाई, हम अगर बात करें हमारे प्लेयर्स की, तो उनमें अजहर अली को आज मौका मिला, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जिस तरीके से वो कल इंजर्ड हुए आज उनको मौका मिला, लेकिन उस तरीके से कैपिटलाइज कर नहीं पाए। समझते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की उन्होंने आज। देखिए, हम अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, अजहर अली को ज़बरदस्ती खिलाकर आप 100 टेस्ट मैचेस के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अनफेयर। 96 उनके टेस्ट मैचेस हो गए, तो अब 4 टेस्ट मैचेस को ज़बरदस्ती तो आप नहीं खिला सकते। वो जो खेल रहे हैं, उन्होंने 40 रन किए हैं आज भी, मगर वो उस हिसाब से नहीं खेल रहे जैसे एक टेस्ट क्रिकेटर को खेलना चाहिए, जो उनका एक स्टाइल होता है। आज बाबर आजम कह रहे थे कि मैंने कहा था कि स्पिनिंग ट्रैक बनाई जाए, मगर ग्राउंड मैन ने या क्यूरेटर ने उस तरह की पिच नहीं तैयार की। मगर हैरत की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अगर स्पिनिंग ट्रैक का कहा था तो एक स्पिनर से आप कैसे खेले। सिक्कू सर, इंग्लैंड की टीम ने हमारी टीम को शिकस्त तो दे दी है, लेकिन इस शिकस्त की मेन वजह जो कहा जा रहा है वो डिफेंसिव अप्रोच है हमारी टीम की, तो आपका भी सेम ख्याल है इस हवाले से? देखें, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि जब बाबर का इंटरव्यू हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि मैं 5 अभी टेस्ट मैचेस होने, 3 इंग्लैंड से, 2 न्यूजीलैंड से, तो मैं इनमें से 4 मैच जीतकर जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलना चाहता हूं। तो अगर आप इस किस्म की अप्रोच के साथ, इस पिचेस के साथ जाएंगे तो कभी भी आप जीतने के लिए नहीं जा रहे। आपकी ये नेगेटिव अप्रोच है जिसमें आपने एक बैटिंग ट्रैक बना दिया है जिसके अंदर कोई बॉलर का हेल्प नहीं है। वो तो इंग्लैंड की, मैं समझता हूँ कि हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। उन्होंने एक नया तर्ज आपको बता दिया कि अगर आप चाहें तो क्रिकेट को इस अंदाज से भी खेल सकते हैं। सिकू भाई, हमने जब पिच पर बात हुई बहुत ज़्यादा, तो रवींद्र राजा का एक बयान आया, उन्होंने कहा आगे भी हमें इसी तरीके की पिचेस देखने को मिलेंगी, तो क्या समझते हैं अगर इसी तरीके की पिचेस होंगी तो क्या ये मतलब डर है हारने का? अगर आपके जहनी तौर पर नेगेटिव अप्रोच हो तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते। अभी रवींद्र राजा ने कहा कि हम ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे और पाकिस्तान में बनाएंगे, तो पाकिस्तान में जो शख्स ड्रॉप इन पिचेस बना सकता है वो फिर जाके ग्राउंड पे भी पिचेस बना सकता है। वाई वी आर वेस्टिंग मनी, इतना पैसा, अरबों रुपए ज़ाया करेंगे और वो ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे, जबकि वही क्रिएटर जाके ग्राउंड पे वैसी पिचेस बना दे जिस तरह की ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की।